ये चालू किया नहीं जब कोई जुझी हाँ ये उस तीनों ऐसी है ऐसी ऐसी है इधर देखिए हम गोल वाले झूले में बैठे हैं ऊपर से नजारा नजारा ये देखे ऊपर देखे ऊपर ऊपर देखे ऊपर देखे ये देखे हम घूमने जा रहे हैं गैस तुम कहाँ जा रहे हो घूमने चलो आप ही चलते आ जाओ जा जाओ सब ये देखते मुन्ने को भाई इस वक्त हम एक खतरनाक झूले में हैं खैर झूला तो नहीं बोल सकते इसको ये किसको बोलते डोली डोली में है अब हम टॉप पे हैं आ रहा है ये पानी फेंक रहे हैं ये आप देख रहे हैं भाई ये होता है यहाँ के नज़ारे चलो आ रहा है ये आपका है पेरिया टाउन का जो है ना पेरिया एडवेंचर लैंड यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ और मैं आज आप अच्छा ये जो है मंगल तक इतवार खुला होता है जो मंडे होता है वो क्लोज होता है और टाइमिंग 3 से लेके 11 बजे तक है और इस पर आप मल्टीपल इंट्री कर सकते हैं भाई ये है गाइड मैप आप जैसे इंट्री करोगे तो आपको ये गाइड मैप मिलेगा पेरिया टाउन का एडवेंचर लैंड और पीछे से एक गाड़ी लाइटें भी मार रहा है कि भाई आप रास्ता दो इस बाइक को रास्ता दो वरना तो भाई ओ मैंने तो हर जगह घूम लिया ईद पे सब बंदों ने घूम लिया तो फिर भाई अपने इतना घूमने के बाद जो है ना तो मैंने कहा कि भाई अब बच्चों की बारी है क्योंकि बच्चे इतने सारे हैं कि बच्चे कहते हैं भाई हमें घुमाओ वही बात है बच्चे बन के सच्चे तो उनको घुमाना चाहिए इनको ले जाना चाहिए तो मैंने कहा जब मैं बच्चों को घुमाने ले जा रहा हूँ तो क्यों ना अपने व्यूवर्स को भी दिखाऊँ अपने जो हमारे बहुत सारे हैं कि भाई इनको कहाँ लेके जाऊँ वैसे तो बहुत सारी जगह है जैसे कि फोर्ट ग्रैंड वगैरह है मगर मैं आज स्पेशल जगह जा रहा हूँ और वहाँ लेके जा रहा हूँ किधर खांदा खांदा कौन आया अच्छा किधर जा रहे हो तुम हैं मुस्कुरा क्यों रहे हो तो हम घूमने जा रहे हैं गाइस तुम कहाँ जा रहे हो घूमने चलो आप ही चलते आ जाओ जा जाओ सब ये देखते मुन्ने को सबसे आगे ये ऐसे लग रहा है जैसे खर्चा ही ये कर रहा है अगर आगे दिख रहा है ये तो ऐसे चल रहा है जैसे चलो भाई भाई ये बच्चा पार्टी है और इसको अभी मैं ले जा रहा हूँ घुमाने के लिए और हम जा रहे हैं बहरिया टाउन और वहीं पे ही हम आज देखेंगे बहरिया टाउन का एडवेंचर लैंड जो कि बहुत तारीफें सुनी है हाँ थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है क्या कर सकते हैं एक्सपेंसिव है किसी अच्छी जगह का मज़ा लेना तो महंगाई को छोड़ो मज़े का देखो कि नज़ारे कैसे खूबसूरत है या नहीं है जैसे तो गाइस सीन कुछ यूँ है कि भाई बच्चों को ले जा रहा हूँ मैं बहरिया टाउन गाड़ी रेडी है बच्चे भी रेडी हैं अब सीरताल ये रहा कि यहाँ से सामने से पैसे निकालने और पैसे निकालने के बाद फिर हम चलते गाइस अब पहले तो अभी जाएंगे पैसे भी निकाल लिए फिर उसके बाद हमें जो जाना है पेट्रोल डलवाना है भाई यहाँ पर आ गया हम लोग गाड़ी का पेट्रोल डलवा रहे हैं पेट्रोल डलवाना भी ज़रूरी है वरना फिर पेट्रोल के बगैर कुछ होना नहीं है ये है पेट्रोल डलवा रहे हैं पेट्रोल जैसे इशू होगा फिर चलते हैं हम आगे की साइड तो भाई अभी हम चढ़ चुके हैं लियारी एक्सप्रेस वे और बहरिया टाउन की तरफ जा रहे हैं बच्चों को लेके भाइयों को बच्चों के सबको लेके जा रहे हैं कि भाई तुम लोग इंजॉय करो और साथ में साथ मैंने कहा चलो व्लॉग भी बना देते हैं संडे का दिन है और आजकल लियारी एक्सप्रेस के साइड में भी तरक्की का जो काम चल रहा है यही आप लोगों के लिए झूले वूले वैसे तो बहुत सारी जगह घूमने की है जैसे पोर्ट ग्रैंड वगैरह हो गया फिर आपका अलादीन पार्क हो गया फिर आप नीपा के साइड जा सकते हैं फिर आप डालमिया में भी जा सकते हैं बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ घूमने के लिए मगर इस वक्त जो मैंने जो आज सेलेक्ट किया है वो बहरिया टाउन ही सेलेक्ट किया कि भाई जा के विज़िट भी कर लें और ताकि बच्चों को थोड़ा इन्जॉयमेंट कर सकें हमने तो काफ़ी इन्जॉयमेंट कर लिया अभी बच्चों को ले जाते यानी जो लियारी एक्सप्रेस है मैंने कहा कि यार आप लोग इसके बारे में भी बता दूँ लियारी एक्सप्रेस के बारे में इसके जो वैसे तो संगे बुनियाद जो आइडिया था शहीद बेनज़ीर मोहतरमा भुट्टो की था आइडिया और उन्होंने ही अपने दौर में स्टार्ट करने की कोशिश की अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं फिर उसके बाद हमारे साबिक सदर महरूम हमारे
परवेज मुशर्रफ साहब जो आर्मी चीफ भी थे उन्होंने संगे बुनियाद रखी, फिर यही आके बाद में ये कंप्लीट हुआ है। और ये है लियारी एक्सप्रेस की हकीकत। हर बंदे ने इसके ऊपर अपने, जैसे कि हमारे यहाँ कोई रोड बनता है संगे बुनियाद, तो हर हुकूमत ने आकर, क्योंकि 5 साल की हुकूमत होती है, जो हमारी प्रोजेक्ट अगर कोई शुरू होता है वो 1 साल का हो तो 1 साल का मतलब ये रखा उसका 10 कम, तो 10 साल लगेंगे। अगर दो साल का प्रोजेक्ट है तो वो 20 साल का। तो गाइस फाइनली हम मोटरवे पे आए हुए और पीछे से एक गाड़ी लाइटें भी मार रहा है कि भाई आप रास्ता दो, इस बाइक को रास्ता दो, वरना इस बाइक को बहुत स्पेशल है और है भी डाले वाले। अब क्या करें भाई, बना रहा हूँ मैं फ़िलहाल व्लॉग, वरना इस बाइक को तो मैं हाथ में भी नहीं आता हूँ। जा रहे तो जाने दें, मज़े करने दें। अच्छा मोटरवे पे है, अभी क्रॉस करेंगे हम लोग टूल प्लाजा, टूल प्लाजा के बाद फिर बेरिया टाउन जाएंगे और वहाँ पहुँच के मैं आपको बताऊँगा कि क्या प्राइस है और क्या प्राइस नहीं चल रहा है। वहाँ जाके आपको एक अजीब चीज़ नज़र आएगी जो शायद कम लोगों को पता है कि वहाँ का टिकट का प्राइस किस तरह होता है। मतलब जैसे कि कहीं और आप जाएँ तो बड़ों का अलग फ़ीस होता है, बच्चों का अलग, मेल फीमेल का अलग प्राइस होता है, मगर वहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे एक अलग ही मेथड है। तो चलो मैं आज आपको दिखाता हूँ। फाइनली अभी हम लोग यहाँ से मोटरवे से उतरेंगे, जाएंगे बेरिया टाउन की तरफ, और ये बेरिया टाउन की तरफ मुड़ गए और आगे टूल प्लाजा का ये टूल देखेंगे। यहाँ से आगे ये हमारी अब हो रही है बेरिया टाउन में एंट्री। भाई ये है फाइनली यहाँ पे ई टैग, एम टैग, फ्लां टैग, सब टैग हैं यहाँ पे। तो ये है इसका बेरिया टाउन का एंट्री। सब परेशान है कौन से जाएं कौन से लाइन में नहीं जाएं, ये भी हम देख रहे हैं भाई। ये गेट से एंट्री मार सकते हैं, ये है इसका एंट्री बेरिया टाउन का। यहाँ पे एक जदीद तरीन समझो कि शहर कायम करने की कोशिश किया गया था और काफ़ी कोशिश कामयाब भी हो गया, क्योंकि फिर कुछ हालात ऐसे रह गए बेरिया टाउन में। अभी भी बहुत तरक्की पे है और इस वक्त हमारी जो इकोनॉमिक हालात हैं बेरिया टाउन हो या पाकिस्तान के, ये आप देख रहे हैं बहुत बेहतरीन। जितनी जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना था इस्तेमाल कर लिया, और बड़े बड़े बिल्डिंग और बड़े कुशादा जो है ना रोडें इन लोगों ने बनाई हुई हैं। तो भाई जितनी तारीफ़ की जाए कम में बेरिया टाउन की। एक अलग शहर कराची के अंदर या कराची के बाहर एक अलग कराची शहर कायम किया गया है। हमारे बाबा कौम कायद आज़म की तस्वीर जिना एवेन्यू से कहा जा रहा है, ये जिना एवेन्यू का रोड कहलाया जाता है। और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कुछ कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में, कुछ कम्प्लीट हो चुके हैं, और कहीं कहीं पर ऑफिस हैं और कहीं कहीं पर रिहायशी हैं। और ये तो देखें आप कहाँ आपको जाना है, आपको किधर जाना है। एडवेंचर लैंड पे हम आ चुके हैं, ये सामने ही है और ये आप देख रहे हैं इस वक्त। अब सोच रहे हैं कि गाड़ी कहाँ पे खड़ी करें, गाड़ी खड़ी करने की परेशानी है, कहीं सोचते हैं ये जगह भी है वो जगह भी है, कहीं देख के आते हैं कोई अच्छी सी जगह जहाँ पे गाड़ी पार्क करने के लिए हमें आसानी हो सके। ये आपका है बेरिया टाउन का जो है ना बेरिया एडवेंचर लैंड, यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि भाई कैसे खूबसूरत है। और ये छोटू अब्दुल अहद से सॉरी बेरिया टाउन एडवेंचर लेट का आप आएंगे, हम तो यहाँ पे जो है ना व्हीलचेयर पे है ही नहीं। तो चलो बेटा छोटे अंदर चलो, और मैं यहाँ पे कोशिश करूँ कि क्या प्राइस है यहाँ पे। भाई ये है कि भाई कमर्शियल फोटोग्राफी की इजाज़त नहीं है, कौन कमर्शियल करता है पता नहीं कौन। भाई अभी इस वक्त हम लोग जो है ना सामने जा रहे हैं कि भाई टिकट करवाएँ, एंट्री टिकट करवाएं, एंट्री टिकट कितने की, कहाँ से जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा एंट्री टिकट। तो भाई इस तरह आप आओगे आपका हाइट चेक किया जाएगा बच्चों का ही। तो यहाँ पे है हाइट वाइज टिकट होता है भाई इंटरेस्ट का, सही है ना, ये टिकट वाइज इंटरेस्ट जो है हाइट वाइज होगा। तो इसको अब गोद में उठाना पड़ेगा इस छोटू को। भाई यहाँ पर जो प्राइस लिखा हुआ है ग्रीन टिकट जो है ना अबव 4.3 से होगा 3,000, येलो टिकट जो है 2.6 से लेके 4.3 तक का है। और ये है यहाँ पर जो है ना सब कुछ है, ये आप देख रहे हो। अच्छा ये जो है मंगल तक इतवार खुला होता है, जो मंडे होता है वो क्लोज होता है, और टाइमिंग 3 से लेके 11 बजे तक है। और इस पर आप मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं बेरिया एडवेंचर का, और अब मैंने आपको दिखा दिया। और ये सामने वो जो है ना आप टिकट ले सकते हो, ये छोटे से बंदे। ये है बेरिया टाउन के अंदर
जो एडवेंचर लैंड है उसकी मस्जिद, इस मस्जिद को देखते हुए मुझे दुबई याद आ गया। तो दुबई में भी इसी तरह के मसाजिद होते हैं और काफ़ी पुरसकून और एसी के साथ होते हैं। तो ये जितने सब कुछ है, यहाँ पे मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, अभी मैं चल रहा हूँ आपको एडवेंचर लैंड को एक्सप्लोर करने। ये है बेरिया टाउन एडवेंचर और ये है इसके नज़ारे, ये है दिन के वक्त, ये बड़े बड़े ये झूले, यहाँ पे स्विमिंग पूल, बच्चों के लिए फवारे, सब कुछ है। और आपको इस तरह के यहाँ पे टिकट्स मिलेंगे, जो टिकट्स हैं आप ये टिकट्स आप देख सकते हैं कि आपको ये टिकट्स लेने पड़ेंगे। और जो बड़ों का है 3,000 है और बच्चों का है 2,000, और जो बहुत छोटे हाइट वाले उनका फ्री है, उनको सिर्फ गोद में आपको उठाना पड़ेगा। ये है बेरिया टाउन की मस्जिद हमारे साथ, जहाँ पे अभी मैंने नमाज पढ़ा। और यहाँ पे ये देखें, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है भाई। ये है गाइड मैप, आप जैसे एंट्री करोगे तो आपको ये गाइड मैप मिलेगा बेरिया टाउन का एडवेंचर लैंड। यहाँ पे है ना, जो आपको एडवेंचर लैंड मिलेगा, ये आप देख रहे हो इस तरफ, ये सारा डिटेल यहाँ पे लिखा होगा आपको क्या क्या करना है, क्या कुछ करना है, एटीएम सर्विस वगैरह ये सब कुछ। भाई मेन स्ट्रीट है, एनिमल किंगडम है, शार्क अटैक है, सिंबाद है, ये सब कुछ है, खौफ, एडवेंचर लैंड, ये सब कुछ। जो आप ये ट्रेन की पटरी देख रहे हैं, ये एक्चुअली यहाँ पे जो है ना ट्रेन की पटरी भी चलती है, जो अभी आएगी थोड़ी देर में, जब ये आएगी तो यहाँ पे इसको क्लोज किया जाता है। और सामने जो है ना बेरिया एडवेंचर है, ये सामने सब कुछ है, ये है एडवेंचर लैंड। और एडवेंचर लैंड में जा रहा हूँ और ये सामने जो है ना ये झूले वगैरह, वहाँ पे खौफ, थोड़ा ख़तरनाक एडवेंचर है। ये भी बच्चों को ले जा रहे हैं हम लोग, ये बंदा बैठा हुआ है हमारा बच्चा जो बहुत मस्ती करे, इधर बिठाया हुआ है डूडो। और रोदेफा भाई कैसे हो भाई? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मज़ा आ रहा है? जी जी मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। गाड़ी स्टार्ट हो गया, अब स्टार्ट हो गया। ये अब्दुल्ला क्या हो रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है जी। अब्दुल्ला देख घोड़े चल रहे, ये देखो भाई, ये है बच्चों के लिए एडवेंचर, बहुत सारे आपको मज़े आएंगे, बच्चों का एडवेंचर है। और ये गाड़ी चल चुकी है और ये सामने बच्चों को बिठा दिया, मज़े कर रहे और ये मस्तियां कर रहे हैं। ये देखो छोटे को मस्तियां की लगी पड़ी हुई है, ये नहीं बच्चों को ही। बहुत अच्छा जगह है भाई तफरी करने के लिए, बच्चों को घुमाने के लिए। अभी ये भाई गाड़ी स्टार्ट करेंगे, अब्दुल्ला बच्चे मस्तियां कर रहे ये है भाई बच्चों के लिए तफरीगाह के लिए बेरिया एडवेंचर लैंड, ये देख रहे ऊपर भाई। अभी है बेरिया एडवेंचर लैंड का ट्रेन की बारी, अभी बच्चों को बिठाएंगे ट्रेन पे और खुद भी बैठूंगा। और ये जगह है खूबसूरत मनाजर, ये सामने से एंट्रेंस है, एंट्रेंस में जाना है हमें। ये ट्रेन है, अब ट्रेन का वेट कर रहे हैं जब तक ट्रेन आए, ट्रेन अभी तक आया नहीं है, ट्रेन का इंतज़ार में है हम लोग, इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रेन आ जाए। और ट्रेन यहाँ सामने से आने वाला है, उस ट्रेन का हम इंतज़ार करेंगे, उसी पे बैठेंगे। और ये है बेरिया एडवेंचर लैंड, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, काफ़ी सबसे ज़्यादा वेट इसी का ही करना पड़ा ट्रेन का ही, तकरीबन नहीं तो नहीं 20 मिनट हो चुके कि आ जाए। अभी भी बंदे ने फाटक बंद किया हुआ है, सामने मैं दिखा रहा हूँ कि फाटक उसने किस तरह बंद किया हुआ है, ये देख रहे हो आपने फाटक ने बंद किया हुआ है। अभी इसको जैसे ही आए, अब देखिए कितने दूर से आ रहा है जिसने पहले फाटक बंद कर दिया है। अब देख रहे हो ये ट्रेन की पटरी, आप देख रहे हो ये आ रहा है ट्रेन, ये आ रहा है ट्रेन, ये ट्रेन आ रहा है, ट्रेन जिसकी बहुत इंतज़ार किया हमने, फाइनली घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, ये ट्रेन आ रहा है। सुन रहे हो आप पोपो की आवाज़ सुन रहे हो आप, पोपो की आवाज़, ये आ गया फाइनली ट्रेन, चक 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 चक, ये है ट्रेन।
भाई फाइनली हम लोग जो है ना ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन की तरफ हमारे चल पड़ी है भाई। तो गाइस ये है हमारा ट्रेन बेरिया टाउन के एडवेंचर का ट्रेन, और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अपनी लाइफ पे हमेशा इन्वेस्टमेंट किया करें, ये ज़िंदगी है इसी की मज़े लिया करें, पैसों को जमा करके आखिरी वक्त के लिए नहीं रखा करें। आप लोग समझते हैं कि इसको आखिरी वक्त में रखेंगे तो हमारे किसी काम आएगा, ज़िंदगी का किसी को कुछ नहीं पता होता है, जो कुछ है इन्वेस्टमेंट करें अपने लाइफ में, घूमें फिरें, इन्जॉयमेंट करें, सब कुछ करें आप लोग, वरना वैसे ही बैठे रहेंगे। अभी एक स्टेशन आने वाला है और उस स्टेशन पे भी शायद कोई बैठेगा, उससे फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। ये बड़े बड़े जो है ना आपको एडवेंचर मिलेंगे, बहुत ख़तरनाक एडवेंचर जो आपको बेरिया टाउन में मिलेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आओ अभी इस पर तो मैं अभी चढ़ूँगा, रिसेंटली इस पर तो मैं अभी चढ़ूँगा भाई, आपका भाई इस पर भी चलेगा। अब एक ही मोबाइल का असला है और मसला यही है मोबाइल का, हमेशा यही रहता है कि चार्जिंग जल्दी ख़त्म हो जाती है भाई। ये आगे आप पढ़ो ट्रेन का ट्रैक भाई, इनका भाई ये ट्रेन का ट्रैक है भाई, ट्रेन जा रहा है भाई, ये जंगल है और इसके ऊपर हम जाएंगे, ये देख रहे हैं ये जा रही है अभी, और ये हमेशा प्रेशर से नीचे की तरफ जाएगा, वो खींच रहा है ये प्रेशर से, अभी इसको खींच रहा है ट्रेन। गाइस अभी मगरिब का टाइम भी होने वाला है, फिर रात होगी, फिर अंधेरा हो जाएगा। ये है दिखाने का मकसद ये रहा, और ये छोटा पता नहीं कहाँ घूम रहा है। अब्दुल्लाहाद आ जाओ। तो भाई ये है इंडस वैले, इंडस वैले जोन, जहाँ पे आपको मिलेगा समंदर के नज़ारे, एक टाइप के आपको एडवेंचर बे मिलेगा, सर्फर स्पॉट मिलेगा, इंडस वैले जोन है और पैराइट ऑफ एडवेंचर। चले देखते हैं अब हम इस तरफ, ये है आपका इंडस वैले जोन में आए हुए, देखना होता है सामने वाले आपके अपॉइंटमेंट पे, सही है ना, एनएमी बोलो या जो भी बोलो, एक दूसरे पे फायर कर रहे हैं और एक ही आ रहा है और ये पानी फेंक रहे हैं, ये आप देख रहे हैं भाई, ये होता है यहाँ के नज़ारे। चलो मगरिब का भी टाइम हो चुका है भाई, अभी ही अंधेरा हो रहा है, और ये ये इस वक्त हमारा छोटा सा जो है ना ये बता रहे हैं शहर देखो शहर भाई, ये हमारा है बेरिया टाउन का ही है जो ऊपर जाएगा। तो गाइस ये आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं, वरना इस पे तो कहने के खड़ा होना मन है। ये देखिए हम कितने हल्के हल्के, बहुत हल्के हल्के ऊपर से आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को, ये देख रहे हैं आप भाई। इस वक्त हम एक खतरनाक झूले में हैं, खैर झूला तो नहीं बोल सकते इसको, एक इसको बोलते डोली, डोली में है। अब हम टॉप पे हैं, अभी यहाँ से कुछ देख भी नहीं सकते क्योंकि ये लोगों ने ग्लासेस ऐसे लगाए जो साफ ही नहीं है, वरना आपको इस नज़ारा दिखाता है बेरिया एडवेंचर का। आप यहाँ पे जस्ट 3000 में है, बड़ों का 3000 फीस है बेसिकली, ये लोग हाइट से नापते हैं। अगर आपकी एज भले 10 साल या 12 साल है, अगर आपकी हाइट जो है ना 5 फिट है या 6 फिट है तो 3000 रुपये के चार्जेस हैं, और अगर आपकी उम्र 50 साल है और हाइट आपके 2 फिट से कम है तो फिर आप फ्री में भी आ सकते हैं। यह बेनिफिट्स है बेरिया एडवेंचर लैंड का। तो गाइस इस वक्त हम ऊपर टॉप पे है, अब ये स्लू स्लू चल रहा है, कोई मोशन ही नहीं पता चल रहा है, और आपको भी फील नहीं हो रहा होगा कि यार ये कोई डोली चल रहा है या रुका हुआ है, क्या सीन है। ये मनाजर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। मैं अब इस पे चढ़ूंगा भाई, इसके मजे लेने इसका, देखते कैसा है भाई, कहाँ से एंट्री होगी भाई। ये इस वक्त जो है ना ये देख रहे हो आप, ये झूले हैं, शोर की खाली सिर्फ आप आवाज़ सुने, आवाज़ कितना तेज़ आ रहा है, ये काफ़ी दूर है और मैंने ये जूम किया हुआ है इसको, ये देख रहे हो मैंने जूम किया हुआ है और आप लोगों को यहाँ तक आवाज़ आ रही है भाई। ये था मेरा आज का वीडियो फॉर बेरिया टाउन एडवेंचर के लिए, यही सीन था, और बहुत सारे जगहें थे, बहुत सारे एडवेंचर्स की प्ले। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग और ये मैंने आपको दिखा दिया, ये है बेरिया टाउन का एडवेंचर लैंड, बहुत ही मुनासिब पैसों में आप यहाँ पे आकर अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं, और बेहतरीन लोकेशन है यहाँ की।
भाई ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये पूरा बेरिया टाउन का एडवेंचर लैंड और यहाँ से आपकी एंट्री होती है और ये ख़तरनाक वो है झूले और ये जगह है वो फैमिली के लिए बेस्ट जगह है। आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, बच्चों को ला सकते हैं एंजॉयमेंट के लिए।